आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं उसका दर्शक। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे शरीर पे होने वाले एक्ने। हम ये जानेंगे कि शरीर पे एक्ने क्यों होते हैं और इसका कारण क्या है, उसे कैसे निजात पाया जा सकता है। इसे पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अर्चना लोखंडे। दर्शक आपको बता दें कि बिहार की जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट है। मैम नमस्कार, बहुत थैंक यू वेरी मच। मैम हम देखते हैं कई बार बहुत सारे लोगों को ये समस्या रहती है कि उनके शरीर पे एक्ने हो जाते हैं और खासकर ये बॉडी बिल्डर्स के या फिर कोई अगर महिला वैक्सिंग करवाती है तो उन्हें भी देखते हैं उनके शरीर पे, तो इससे कैसे निजात पाया जा सकता है, उसका कारण क्या है। एक्ने एक हार्मोन से जुड़ी हुई समस्या है। हमने एक्ने के बारे में पहले भी बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस किया है। तो हमारे शरीर में बालों के साथ ऑयल ग्लैंड अटैच रहती है, उसके ऊपर हार्मोन्स एक्ट करते हैं, उसकी वजह से बड़े छोटे पिंपल आते हैं। पिंपल के बहुत सारे स्टेजेस रहते हैं, जैसे ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, पैप्यूल, पश्यूल्स और नोडुलोसिस्टिक वगैरह। तो जैसे हमारे फेस पे पिंपल आते हैं, वैसे ही बहुत बार नेक का एरिया है, चेस्ट का एरिया है या बैक का एरिया है, शोल्डर्स का एरिया है, यहाँ पे भी पिंपल आ सकते हैं। ये जैसे पस भरे हुए दाने रहते हैं या कभी कभी ब्लैक हेड व्हाइट हेड जैसे रहते हैं, कभी कभी और कुछ सीवियर कंडीशंस एक्ने की रहती है जिसमें बॉडी पे भी बड़े बड़े पिंपल और नोड्यूल्स जैसे एक्ने आते हैं। कभी कभी फंगस के इन्फेक्शन के वजह से पिटाइरोस्पोरम फॉलिकुलाइटिस जो हम बोलते हैं, तो जो बाल है उसके ऊपर इन्फेक्शन होके छोटे छोटे पस भरे दाने आते हैं। तो अलग अलग तरीके के दाने आ सकते हैं और बहुत बार ऐसे देखा गया है कि जो बॉडी बिल्डर्स रहते हैं या कोई जो हार्मोन्स लेते हैं एक्सटर्नल, तो उनको भी पिंपल्स बॉडी पे ज्यादा कॉमनली आते हैं। कभी कभी कोई कोई ड्रग का सेवन करने के वजह से भी, जैसे स्टीरॉयड वाली क्रीम्स है वगैरह या स्टीरॉयड वाली दवाइयां हैं या और कोई बहुत सारी दवाइयां हैं जिसके वजह से एक्ने फॉर्म इरप्शंस बॉडी पे आ सकते हैं। बहुत बार जो वे प्रोटीन्स वगैरह लिए जाते हैं तो उसमें कैसीन रहता है जो एक तरीके का डेयरी डिराइव्ड प्रोडक्ट है, तो उसकी वजह से भी पिंपल्स आ जाते हैं। तो ये वाले जो पिंपल जब ठीक होते हैं तो ये दाग धब्बे छोड़ के जाते हैं। जैसे जब आप कपड़े ऐसे तरीके से पहनते हैं तो यहाँ पे दिखने में अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए ट्रीटमेंट कराना जरूरी है। कभी कभी ये पेनफुल भी हो सकते हैं और बहुत बार ये दाग धब्बे छोड़ जाते हैं। तो जैसे हम नॉर्मल पिंपल्स के लिए ट्रीटमेंट करते हैं, तो आप जब भी अगर जाते हैं और आपको बैक एक्ने भी है तो आप जरूर आपके डॉक्टर को बताइए, तो उस हिसाब से वो उसके लिए दवाइयाँ दे सकते हैं। और कभी कभी हम बहुत सारी चीजें बैक पे कैरी करते हैं, बैक पैक होते हैं या कपड़े ऐसे पहनते हैं तो फ्रिक्शंस वगैरह होते हैं, ज्यादा पसीना ज्यादा आता है, तो इन सब के वजह से भी एग्रीवेट होने के चांसेस रहते हैं। और शरीर पे हम बात करें तो क्या शरीर पे कहीं भी हो सकता है किसी भी? हाँ, कहीं भी हो सकते हैं एक्नेस जो है। कभी कभी बटक्स पे भी हो जाते हैं, बहुत सारी कंडीशंस रहती हैं जो एक्ने बेसिकली ऑयल ग्लैंड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स है। तो ऐसी जो कुछ ग्लैंड्स रहते हैं जैसे एपोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, तो उससे एड्रेनाइटिस सपुरेटिवा नाम की बीमारी होती है या एक्ने कॉन्ग्लोबेटा होता है। तो बहुत सारे मेडिकल टर्मिनोलॉजीज है, कुछ लोगों को एक्ने जैसे दाने अंडर आर्म्स में, बटक्स पे, ब्रेस्ट के नीचे होते हैं। तो हार्मोन से रिलेटेड समस्याएं हैं और इसका सही निदान होना जरूरी है क्योंकि ये बार बार होने वाली समस्या है। और वो जो दाग धब्बे पेन जो होता है तो उसके लिए उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करना जरूरी है। साथी अगर हम इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो क्या ये और बड़े भी हो सकते हैं, इसके पिंपल्स या शरीर में फैल भी सकते हैं? फैलते नहीं है ऐसा, जहाँ है वहाँ ही रहते हैं, बट ये बहुत बार फीमेल्स जो होती है तो उनको कपड़े पहनने के बाद थोड़ा सा कभी कभी मतलब साड़ी वगैरह पहनती है तो ये अच्छा नहीं दिखता दिखने में, पेन हो सकता है, इचिंग हो सकती है और ये सारी समस्या है, तो इसीलिए उसके लिए ट्रीटमेंट करना जरूरी हो जाता है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी, थैंक यू वेरी मच। तो आशा करती हूं दर्शकों की आप ये समझ पाए होंगे कि शरीर पे पिंपल्स क्यों होते हैं, इसका कारण क्या है और ये शरीर पे कहाँ हो सकते हैं। जैसा कि मैम ने बताया कि शरीर पे कहीं भी हो सकते हैं, तो आप जाके डॉक्टर से कंसल्ट करिए अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है शरीर पे। तो आशा करती हूं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक होगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही हमारे पेज को लाइक करें। देखने के लिए आपका धन्यवाद।